मैं कोड जो है 233 और 212 एक्सरसाइज 5.3 और 7.3 उसके ये तीन क्वेश्चन हैं। पहला जो है इंटीग्रल एक्स क्यू प्लस 2 ओवर एक्स 4 प्लस 8 एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स 4 8 एक्स प्लस 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये हो जाएगा 4 एक्स क्यूब, एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो 8 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया जाए तो एक्स 3 प्लस 2, अब यहाँ पर ये वाला एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 तो है लेकिन 4 नहीं है साथ में, तो क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 पर ही डिवाइड करें। अब 1/4 ये ब्रैकेट में लिख लें, ये वाला 4 जो है यहाँ पर आ जाए ताकि एफ डैश बन जाए 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स 4 8 एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। अब नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/4 log एक्स 4 8 एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, वो है इंटीग्रल एक्स ओवर स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, यहाँ पर फिर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 तो इधर 2x एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर फिर x है तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना 2/डिवाइड एक्स ओवर एक्स के प्लस 1 डी एक्स, ऊपर वाला 2 इधर आ जाएगा इस x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -1/3 ओवर नीचे x की 2/3 माइनस वन, ये डी एक्स साइड पर लिखे। अब हम इसकी डेरिवेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की 2/3 माइनस वन एफ डैश ऑफ एक्स, ये पावर पहले जाएगी 2/3 एक्स की 2/3 माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 3 2/3 एक्स 3 एलसीएम 2 माइनस 3 2/3 एक्स की माइनस 1/3। अब हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव ये आना चाहिए, अब फिर इसको यहाँ पर देखें इंटीग्रल एक्स माइनस 1/3 ओवर एक्स 2/3 माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब ऊपर हमें 2/3 चाहिए तो 2/3 ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 2/3 इंटीग्रल एक्स की 1/3 2/3 माइनस 1। अब ऊपर वाली वैल्यू इधर ले जाएं 1/2/3 इंटू इंटीग्रल 2/3 एक्स माइनस 1/3
of x. अब ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, log x 2/3 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त हुआ. लास्ट